सबसे पहले हम इमामबाड़ी साहब आए हैं, इमामबाड़ी दरबार वहाँ पे सलाम की है। इसके बाद हम जी अब नथिया गली के लिए निकलने लगे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे तो आज संडे का दिन है, इसलिए कह रहे हैं कि रश ज़्यादा होगा, तो देखते हैं कितनी देर लगती है। मेरे साथ उमैर भाई है और दूसरी गाड़ी में सुलमान भी बैठा है और एक और भाई है हमारे, तो चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं। आज हाइकिंग का भी प्रोग्राम है, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, अदरवाइज़ वैसे ही सैर वगैरह करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन में ही वापस आना है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अब चलते हैं। चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कितनी देर में वापस जाएंगे। साथ सीन चेक करें माशाल्लाह। जैसे जैसे जी हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं, ठंड जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और अब महसूस हो रहा है कि साथ कोई चीज़ लेके आनी चाहिए थी, मतलब कोई हल्का फुल्का अपर शपर लेके आना चाहिए था, क्योंकि अब ये जी चलती ही गाड़ी के अंदर एक लड़की के हाथ से लेज खींच के, वाह इनका इलाका भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अब जी हम नथिया गली से आगे निकल आए हैं और मुश्कपुरी टॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा व्यू वगैरह लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद वापसी का प्लान है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये आगे आप माशाल्लाह व्यू चेक कीजिए, बाद वहाँ जाके इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और दोबारा बनाएंगे और जाके व्यू चेक करेंगे कि वहाँ पे किस तरह है। अच्छा तो जी इस टाइम हम मुश्कपुरी के ट्रैक पे चढ़ रहे हैं और अभी तो स्टार्ट ही किया है सफ़र, देखते हैं आगे, भाइयों का इंतज़ार कर ले, वो आते हैं तो इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। अभी तो सफ़र स्टार्ट किया है इंशाल्लाह और देखते हैं कितना के थकते हैं, जहाँ पर थके वहाँ पर वापस आ जाएंगे, चार का टाइम हो चुका है। ये जी साथ साथ खाई है सारी और यहाँ पे हम चल रहे हैं और पीछे भाई लोग आ रहे हैं। ये जी
सासा ट्रैक के पहाड़ है, पीछे उमर भाई आ रहा है, आगे सलमान भाई और भाईदार जा रहे हैं। तो बाकी सब कौन सा उन्होंने या शुरू में ही मतलब हिम्मत हार ली और उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं जाना, लेकिन हम चार लड़के चार अभी तक कह रहे हैं कि हम टॉप तक जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे और व्यू आपके साथ को आपको भी दिखाएंगे किस तरह का। लेकिन यहाँ पे चलते हुए एहतियात बहुत रखनी पड़ती है, देखें साइड पे क्योंकि खाई है और ये सीन चेक करें। अभी थोड़ा सा आगे जाके और ज़रा हाइट पे आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं व्यू, मतलब और भी ज़्यादा प्यारा प्यारा व्यू हो जाए। जी आ रहे जी एक हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, दूसरे मार्केटर साहब। इतना लेट चलना है दौड़ लगा जी। उमर भाई जो पीछे से भाग के आया ना वो आगे फिर मतलब बिल्कुल ही नहीं चला गया। अच्छा जी तो हमारे साथ उमर भाई ने जो नीचे जू आता है वहाँ से आगे आने नहीं आया, वो थक गया। मैं सुलेमान भाई और भाई तार हम तीन बंदे अभी तक चल रहे, 4:15 का टाइम हो गया, तो देखते हैं कि हम तक कहाँ तक चलते। हेलो, जो जू है वहाँ तक तो जी ट्रैक बना हुआ था पूरा पाथ, लेकिन उससे आगे इस तरह का रास्ता शुरू हो गया, तो शायद आज टॉप तक ना जाया जाए क्योंकि रात टाइम भाई कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। याद देख सकते कि रात टाइम ट्रैक नज़र नहीं आता, तो पानी की बोतलें हमने ले ली थी बाजू से ही। तो अब देखते हैं, 4:10 का टाइम हुआ और सोचा कि जी 4:15 तक हाइकिंग करेंगे, सॉरी 4:30 तक, तो उसके बाद वापसी। तो देखते हैं 4:30 तक कहाँ तक पहुँचते हैं। इस वजह से भाई ताहर जो उन्होंने रात को खाने से मना किया कि रात टाइम इस चीज़ का पता नहीं लगता, सारे पत्थर ही हैं। और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ जी कि सांस कंट्रोल करके ब्लॉक करो, लेकिन नहीं, सांस वाली खीर होगी। अच्छा जी टॉप तक तो हम नहीं गए क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि टाइम कम था, तो अब हम वापस आ रहे हैं। काफ़ी ऊपर तक गए हैं लेकिन इंशाल्लाह टॉप तक ही जाएंगे, लेकिन जिस दिन टाइम से आएंगे तो आप उमर भाई को यहाँ से लेते हैं, जो जूम में उमर भाई बैठा हुआ है, तो उसके बाद इंशाल्लाह नीचे चलते हैं और वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। थक तो सलमान भाई भी गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शो नहीं था कर रहा। अगर टाइम होता तो हमने चले जाना था हाइट पे टॉप पे, सिर्फ टाइम की वजह से वापस आना पड़ा। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। अब हमने कहा जी कि टॉप तक तो नहीं हम जा सके, चलो टॉप का व्यू तो ले लें इस जगह से। अब इधर जा रहे हैं, यहाँ से जाके देखते हैं कि टॉप का व्यू आता है या नहीं। तो अभी जी हम तकरीबन नीचे पहुँच आए, सलमान भी मेरे साथ, भाई की तरफ स्पीड ज़्यादा है इसलिए ज़रा जल्दी आ जाते हैं। अच्छा जी जितने भी हाइकिंग की है माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया और बड़ा इंजॉय किया, और अब अगली बार इंशाल्लाह टाइम से आएंगे ताकि टॉप तक जा सके, लेकिन जितना भी किया बहुत मज़ा आया और एक थोड़ा सा कह रहे हैं कि प्रैक्टिस भी हो गई है, नेक्स्ट टाइम जो होता है ज़्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे और इंशाल्लाह
जल्दी हम प्लान बनाएंगे और जब भी आएंगे दोबारा तो अब तकरीबन ये हमारा जो पाथ है वो ख़त्म होने वाला है और इसके बाद आप गाड़ी में बैठेंगे और वापसी जाते हुए शायद किसी जगह पे तस्वीरें खींचने के लिए रुक जाएं। अदरवाइज वैसे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है रुकने का, सीधा घर ही जाएंगे। तो घर जाके या तो व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, अगर रास्ते में कहीं रुके तो वहाँ करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मुशपुरी टॉप से निकल के जी यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टे के लिए रुके थे। यहाँ पे हमने छोटा सा स्टे किया और हल्के हुए, उसके बाद अब दोबारा सफ़र कंटिन्यू करने लगे। और अभी तक सोच तो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी किया, अभी तक सोच तो ये है कि इसके बाद हमने कहीं भी स्टे नहीं करना, सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन रस्ते में शायद एक दो जगह हो जाए, तो यहाँ पर व्यू भी कड़ा बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो एक आधा यहाँ पर भी क्लिप होना चाहिए व्लॉग का। डू इट फॉर द व्लॉग। सका और थकावट काफ़ी ज़्यादा थी, मैं जल्दी सो गया था, तो इस वजह से मैंने कहा ब्लॉग एंड सुबह कर लेते हैं। अब मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद से। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाहौर में भी जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका भी इंशाल्लाह ब्लॉग आएगा, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट भी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये ब्लॉग भी आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहर यार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ।